8 साल का था जब मेरी दुनिया इस रेगिस्तान में बिखर गई। पिछले 27 साल से मैं इसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। हर शाम मैं यहाँ बैठ के यही सोचता रहता हूँ कि मेरे पिताजी कब लौटेंगे। I'm finally here with someone who lost everything at a very young age. I'm going to see if I can find out how he dealt with everything that he's been through. Mera naam Megaram ji hai. Sauram ji ke ladke hai. Kaam Sarupya ka tala. Aapko kuch yaad hai aapka pitaji ka kaam? Yahan jo apan khade hain ye hamara khet hai yahan hamare pitaji lakdi kaatte the aur kheti baadi ka kaam karte the. Ye jo samne tila dikh raha hai na इसके पीछे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। इकतीस मई 1999 को मेरे पिताजी वो लकड़ी BSF की लेने गए थे और खेती बाड़ी का उधर काम होता था और बुलाया बीड़ी के लिए कि आ जाओ मारो इंडिया की बीड़ी पिलाओ। जब बीड़ी के लिए चले गए उधर पिलाने के लिए बैठे इसको पकड़ लिया। सिविल आदमी भी साथ में थे और रेंजर भी साथ में थे, उनको पकड़ लिया। फिर एक लड़का हमारे पड़ोस का था साथ में 10-12 साल का। ओ जरा भाग भाग जरा भाग भाग जरा भाग 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 उसको भगा कर मेरे को पकड़ लिया और आप भाग जाओ गांव में इतला कर दोगे। साहूराम को पकड़ लिया। BSF वालों ने सर कुछ नहीं किया। पाकिस्तान वालों के पास सिविल आदमी भेजते थे, उधर जाके वापस भेज देते थे कि उनको चालान कर दिया जाए, जेल में भेज दिए ऐसे बता के वापस उसको भेज देते थे। हमने मेरे पिताजी को लाने के लिए बहुत कोशिश की है। होम मिनिस्टर है और राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, MLA साहब है, MP साहब है, तहसीलदार साहब, जिला कलेक्टर, इन सबको अप्लीकेशन भी दिए, बहुत कोशिशें की है। उन्होंने यही जवाब दिया कि हमने रिपोर्ट भेज दी है पाकिस्तान, अभी उनका कोई पता नहीं लग रहा, यही बता रहे हैं। फिर एक दो महीने बाद लेटर उनके आए, उसमें बता दिया कि मेरी कोई छूटने की आस नहीं है, आप मेरी बच्चियों की शादी करा देना, बाकी वाले काम सब निपटा देना, मेरा कोई भरोसा नहीं है। चिट्ठी सुनने के बाद मेरी माँ घर में थी, वो भी ख़त्म हो गई, बहन भी ख़त्म हो गई, दादा दादी, 5-6 महीने में 1 साल में पूरा हमारा परिवार बर्बाद हो गया है साहूराम जी के जाने के बाद में। I'm here with the members of the village panchayat who are going to tell me not just who Saoram was but how his family looked after his son after he disappeared. To sir kya hua ki iska father sab pura ho gaya, akela ladka reh gaya. Uske baad mein gram panchayat ne milke ek faisla kiya ki bhai Megaram ki abhi chhota bachcha hai 7-8 saal ka, iske apne jitne tak bada nahi hoga to gram panchayat ko jo apne hisab se milega iske पाल पोषण के लिए कुछ दाने, कोई पैसा देगा, कोई क्या देगा। तो हमारे गांव ग्राम पंचायत ने इसको हेल्प किया, दूसरा नहीं कोई सरकार ने किया, नहीं कोई BSF ने किया। गांव वालों ने BSF एक दो बार गए तो BSF बोले हम मंगाते हैं मंगाते हैं, हम मीटिंग करेंगे एक दूसरे, वो पाकिस्तान वाला कंपनी कमांडर की मीटिंग होती है बॉर्डर के ऊपर, दोनों साहब बड़े कंपनी कमांडर मिलते हैं, उसके बाद में निर्णय लेते हैं, कोई माल भी जाता है ना पशु पर जाता है तब भी मीटिंग होती है, ये तो इंसान था ना, तो कोई निर्णय नहीं लिया, नहीं इंडिया वाले ने लिया, नहीं कोई पाकिस्तान वाले ने लिया। ये Megaram जी था जो इतना सहन करके इतना ऊपर आया, पर होते होते अभी बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो खुद अपने कमाने लगे, 15 साल से खुद कमाता है, कोई कहीं 10 रुपये की मजदूरी करता है, कहीं 50 रुपये कर करके अभी पेट अपने पास है, उसके बाद में इसकी शादी हुई तो इसका जो बाप की ज़मीन है वो भी इसके नाम नहीं हो रही है।
इसके जैसी तकलीफ किसी को नहीं आई आज तक हमारे गांव में। According to Megram, his father was kidnapped in 1989 by the Pakistani border force. But according to the police, Sawaram wandered over the border in 1986 while he was following his goats who were grazing at the time. The police also tell me that Sawaram was in the company of someone named Binjaram. उसके साथ एक बिंजाराम और था, वो भी गया था, तो वो भी border cross कर गया था। बाद में मालूम चला था कि बिंजाराम वापस आ गया था, तो वो बता रहा था कि जब हम उस time तक तो दोनों एक ही साथ जेल में रहे थे। लेकिन बाद में हमारे को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया था। बिंजाराम वापस आया, उसकी क्या परिस्थिति रही, उन्होंने किस हिसाब से फ्री किया और वो उसको क्यों रखा, इस बारे में अपन को कोई नॉलेज नहीं है ना, अपने पास कोई सूचना नहीं इस बारे में, क्योंकि बॉर्डर का मामला इंटरनेशनल बैटर है, इसमें पुलिस डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकती। कोई ऊपर के लेवल पर कोई वार्ता हो, वहीं कोई वो प्रयास करते हो तो वही कर सकते हैं, हमारे बारे में इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। द पुलिस, इट्स वेरी क्लियर, हैव बीन ऑफ नो हेल्प टू मेग्राम। देयर इज अ क्लियर डिस्क्रेपेंसी बिटवीन द स्टोरीज एंड द ट्रुथ इज नो वन रियली नोस व्हाट्स ट्रू। फॉर समवन लाइक मेग्राम, I don't know where else he can go for help. If the police can't help him, who can? हमने जो थार जागरूक नागरिक मंच की तरफ से जो 9 लोगों का प्रयास स्टार्ट किए थे, जिसमें 5 लोगों को तो हम बरी करा के उनके घरों में उसके परिवार तक ला के सुपुर्द कर चुके हैं। 4 लोगों में से सौराम भी एक बंदा है जिनके लिए हम काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। सौराम जी का पाक जेलों में वो कहाँ हैं अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो पा रही है। तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी जो 4 साथी है जिसमें सौराम जी भी एक है, उनको सभी को लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारा को ये पूरा विश्वास है कि हम पूरे साथी उसमें सफल रहेंगे। सर वो आ जाएँ तो क्या, अभी भी हमारा परिवार वैसा भी, मेरे हमारे बच्चे भी हैं, आ जाए तो हरा भरा परिवार अभी भी हो सकता है वापस। Most of us are raised by our parents to believe that the world is a happy place and that we're going to live happy positive lives. Having met Megram though, I don't know if that's been true for him. He's got the saddest eyes of anyone I've ever met in my whole life, and it's only understandable. He lost everything at such a young age. For Megram, I can only hope that his future holds good things, because his past has held only tragedy. For more videos like this, please subscribe to our channel on YouTube or follow us 101 India on Facebook, Instagram or Twitter. सचो के नोट का जो स्टेटमेंट का अवलोकन किया है, जिससे तो ये पता लगा है कि वो राह के एक एजेंट के रूप में गया था। ये इस तरह ही फिर दाने दूने हटी छोट के फिर चाय मीठा लेकर फिर तुर गया नाल। हमारा मम्मी जाना है, या कहना आ जा, नहीं मम्मी जाना, या कहना आ जा, नहीं मैं जाना जरूर। वो बिछड़ गया, फिर बिछड़ गया साथ।